गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद टू ऑल एंड वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन आवर लास्ट प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट द प्लेसेस ऑफ न्यूमरल्स लाइक 100, 10 एंड 1s। हमने क्या पढ़ा था बेटा अपनी लास्ट प्रीवियस क्लास के अंदर, किसी नंबर्स के प्लेस के बारे में, कि वो कौन से प्लेस पे, 100 पे है और 10s पे है या फिर 1s पे है। ओके, नाउ टूडे वी विल लर्न अबाउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द न्यूमरल्स। आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू क्या होती है आज हम ये सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू इज द प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ अ न्यूमरल लाइक हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। ओके बेटा, आज हमने क्या सीखना है न्यूमरल्स में, हमने उनके प्लेस की प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक बेटा आई हैव अ नंबर 725। ओके, आई हैव नंबर 725, दैट मीन 725। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस नंबर बेटा 5 इज इन विच प्लेस बेटा? दिस इज इन वंस, ओ फॉर वंस। सो 5 इन वंस प्लेस, सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 5 × 1, क्योंकि ये वन प्लेस पे 5 × 1 = 5। सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा? 5। ओके, सेकेंड इज ऑन टेंस प्लेस 2 इज ऑन टेंस प्लेस पे है हमारा 2 नंबर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2? 2 × 10 = 20। बिकॉज थर्ड इज 7 इज ऑन हंड्रेड प्लेस, ओके। सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? 7 × 100, बिकॉज इट इज इन हंड्रेड प्लेस। ओके, सो इट इज 700। सो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई बेटा? 700, बिकॉज ये 100 के नीचे है। ओके, एंड देयर इज द 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी है? 20, बिकॉज ये 10s के नीचे है। ओके, एंड 5 की प्लेस वैल्यू होगी है 5, बिकॉज ये 1s के नीचे है। ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 725 इज, अभी हमने जो सीखा था, सो प्लेस वैल्यू ऑफ हमारे पास क्या नंबर था? 725 इज, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 5। ओके, 5 की वैल्यू 5, बिकॉज ये वंस प्लेस पे है। ओके, नाउ 2 की वैल्यू क्या होगी थी बेटा हमारी? 20, बिकॉज इट इज ऑन टेंस प्लेस। ओके, एंड 7 की वैल्यू है 700, बिकॉज इट इज ऑन हंड्रेड प्लेस। ओके बेटा, वन मोर मेथड टू नो द प्लेस वैल्यू। फर्स्ट इज वंस के नीचे 5 है, सो वैल्यू इज 5, बिकॉज इट इज ओनली 1। ओके, इसके आगे हमारा कोई डिजिट नहीं है ये, सो हमारी प्लेस वैल्यू सेम हो जाएगी 5। नाउ सेकेंड इज 10s के नीचे यहाँ पे 2 है, सो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। इसकी वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे? टी के आगे, दैट मीन्स 10s के आगे हमारे कितने डिजिट है? इसके आगे हमारी 1 डिजिट है, सो वी राइट डाउन 10। ओके, नाउ थर्ड इज 7 की प्लेस वैल्यू जानने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे हमारे H के आगे, दैट मीन 7 के आगे हमारे कितनी और डिजिट्स हैं? 7 के आगे हमारे 2 डिजिट्स और हैं, 2 और 5, दैट मीन 10s और 1s, सो वी राइट डाउन हियर 20। इस तरीके से भी हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू डू एन एक्सरसाइज अबाउट प्लेस वैल्यू इन योर कॉपी। ओके, सो नाउ टेक आउट योर नोटबुक, ओके, एंड डू विद मी। नाउ फर्स्टली राइट डाउन द डेट ऑन योर नोटबुक, एंड व्हाट इज द डेट टुडे? 14th
August 2020 and day is Friday. Okay, and this is your classwork. Fine. Now this is unit 5. And what is the name of unit? Numbers. Beyond 100. Okay. And now today's topic is place value. Place value. What is the place value? Okay, this is the definition of place value. The value of a digit based on its place. Students, that means the value of a digit based on its place in numerals is called its place value. जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी समझाया है, numerals के अंदर उसकी जो places होती है, उसकी value जो हम निकालते हैं, that is called place value. Okay? The most important point is place value of 0. Is always 0. Okay, बेटा place value of 0 is always 0. Numerals के अंदर 0 की place value हमेशा 0 ही रहती है, चाहे वो किसी के place पे हो, चाहे वो 100 पे हो, 10 पे हो या फिर 1 पे हो, उसकी place value हमेशा 0 ही होती है. Fine बेटा. Example. HTO, we write down the HTO and our number 525. Okay, मैंने एक नंबर लिया है 525. Okay, now we find out the place value of 525. First is 5. 5 is on 1's place. Okay, so its value is 5 ones. Fine. Second is 2. 2 is on 10's place. So place value of 2 is 2 tens. 2 tens is equal to 20. Kiske equal ho gaya wo 20 ke. Fine. Now third is 5. 5 is on 100's place. 100's ke place pe na. So 5 ki place value kya ho gayi hai? 500. Okay, that means 500. That means 500. Okay. Okay, students, write down this on your notebook and after completing this, turn the next page. Okay, on next page, write down again. Date, day and classwork, and this is your exercise. Okay, now question is write
right. The place value of each digit for the following numerals. Okay, this is the question. Write the place value of each digit for the following numerals. Okay students, मैं अब यहाँ पे कुछ numerals लिखने वाली हूँ, आपको उनकी place value बतानी है. A part is 846. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है 846. आपको 846 की प्लेस वैल्यू बतानी है. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्टली वी राइट डाउन द HTO. ओके, एंड नाउ दिस नंबर 846. ओके, नाउ we find out the place value of 846. 6. What is the place value of 6? 6 is on 1's place. So, its value is 6. Okay students, now 4. 4 is on 10's place. So, its value is 4 times. 4 times means 40. Okay? Fine, beta. और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं. मैंने 4 लिखा, 4 के बाद यहाँ पे कितनी डिजिट है? 1 डिजिट है. So, मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया. Okay? Now, third one digit is 8. Okay? 8. 8 is on 100 place. 100 के नीचे 8 है. So, 8 की place value क्या होगी? 800. Okay? अगेन सेकंड मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं 8 की प्लेस वैल्यू. फर्स्टली वी राइट डाउन द 8 और 8 के बाद यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, 10s एंड 1s. सो वी राइट डाउन हियर 20. ओके, नाउ नोट डाउन इट इन योर नोटबुक. कंप्लीट इट एंड कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. नाउ बी पार्ट इज 637. We find out the place value of 637. So, firstly, we write down the HTO. Okay, now write down 637. 600. So, we write down it 637. Okay, now we find out the place value of this. First digit is 7. So, what is the place value of 7? Is 7 ones, that means 7. Okay, now second digit is 3. So what is the place value of 3? 3 is on 10's place. So value is 3 tens, that means 30. Okay, now third digit is 6. 6 is on 100 place. So, place value of 6 is 600. Okay. So, we write down here 600. Okay. Now, next part is C part. Our next number is 788. Okay. Now, we find out the place value of 788. So firstly we write down the HTO again. Okay? Fine? And write down the number 700. So 788. Fine, beta? Now find out the place value of first digit 8 number.
व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? 8 इज ऑन वंस प्लेस, वंस के नीचे है ना, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8. सेकंड डिजिट इज 8, सो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? 8 tens, 8 tens, that means 80. Okay, now third one is, third digit is 7. 7 is on 100 place, 100 ke niche hai, so 7 ki place value kya hogi? 700. Okay. Next part is D part and the numeral is 891, okay, and E part is 234, okay. You have to do these two parts in your home, okay. So this is your homework, D part 891 and E part 234, okay. Place value aapko ghar mein khud nikalni hai. Fine beta, now turn the next page. This is question number 2 and write down this question in a new page, okay. And question is, write the place value of the underlined digit. Okay, write down the HTO. Okay, and number A part is 354. ओके, आपको अब इसमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक डिजिट को अंडरलाइन कर रही हूँ, लाइक मैंने अंडरलाइन किया 5 को. ओके, अब मुझे इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैंने अंडरलाइन डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है. ओके, सो 354, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5, हमें 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ लिखनी है. फाइन बेटा, तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? 5 इज ऑन 10th प्लेस, 10th के नीचे है, सो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी है? 50. ओके, बी पार्ट इज 591. ओके, नाउ सी पार्ट इज 999 एंड डी पार्ट इज 107. Okay, and now we find out the place value of in B part 1 and in C part 9 and in D part 0. Hame inki place value nikalni hai. Okay, so what is the place value of 1? 1 is on 1's place, 1's ke niche hai 1, so 1 ki place value kya hogi hai? 1. Okay, now third is, C part is 9. Okay, what is the place value of 9? 9 is on 100 place, 100 ke niche hai, so 9 ki place value kya ho gayi hai? 900. Okay, next is 0. Okay, what is the place value of 0? Bataiye mujhe, 0, maine aapko remember hai, pehle bataya tha ki 0 की प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होती है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो. 0 चाहे 1s की प्लेस पे हो, या 10s की प्लेस पे हो, या 100 की प्लेस पे हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 ही रहती है. ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज ऑलवेज 0. ओके, नाउ नेक्स्ट इज ई पार्ट, एफ पार्ट एंड जी पार्ट. ओके, 462, 680 and 263.
हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकालनी है 462 में 4 की, ओके, एंड 680 में हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है 0 की, एंड 263 में हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है 6 की प्लेस वैल्यू. ओके, नाउ यू हैव टू डू दीज थ्री पार्ट्स इन योर होम. ओके, दिस इज योर होमवर्क. ओके, यू हैव टू डू दिस योरसेल्फ. ओके, स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 1 and 2 इन योर नोटबुक. ओके, आपको अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कंप्लीट करना है. ओके, नाउ आई विल गिव यू अगेन अ होमवर्क इन योर बुक. यू हैव टू कंप्लीट दिस स्मॉल एक्सरसाइज इन योर मैथ्स बुक. ओके, फर्स्टली राइट डाउन योर होमवर्क and date 14th August 2020. Okay, and this is exercise 5.5. Question number 1, question number 2, okay, part A, B, and question number 2, again part A and B, C, D. आपको पेज नंबर 58 शुरू करके यहां तक कंप्लीट करना है. ओके, दिस इज वेरी इजी. क्वेश्चन 1 इज राइट द नंबर्स shown by the beads on the abacuses. Okay, fine beta. Now I am showing you how to do this. Okay, this is first part, A part. हमें यहाँ पे beads दी हुई हैं. इन beads को count करके यहाँ पे हमने numerals लिखना है. Okay, now firstly हम start करेंगे 1 से. O for ones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There is 6 beads. So we write down here 6. And second is 1, 2, 3. There is a 3 beads above tens. Okay, so we write down here 3. Okay, and there is only 1. Okay, so we write down it on 100 place. So first number is 136. Okay, same as आपको इस तरह से इन beads को count करके complete करना है. Fine. Now second question is draw the correct number of beads on the abacuses. आपको सेम इसकी तरह यहाँ पे ऑलरेडी बीड्स बनी हुई है, नंबर नहीं था, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर्स के अकॉर्डिंग बीड्स ड्रॉ करनी है. फाइन, लाइक दिस. फर्स्ट नंबर इज 425. फर्स्टली वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस. वंस फाइव नंबर, तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, 5 बीड्स. 1, 2, 3, 4 and 5. Second digit is 2. Tens की digit क्या है, 2. So we draw here 2 beads and 100 के नीचे 4 digit है. So we draw here 4 beads. Okay, you have to complete this exercise like this. Okay, part A, B, C and D. आपको यहां से लेकर यहां तक इसको complete करना है. Fine beta, that's all for my side. Bye bye.